नमस्कार, मैं शिवांगी, स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल को साफ छवि, कुशल प्रशासन, विवाद से परे विकास का पर्याय माना गया। इसी वजह से जनता ने भाजपा को दूसरा मौका दिया। दूसरे कार्यकाल को भी अभी कुछ दिन पहले ही 100 दिन का वक्त पूरा हुआ है, जिसे एक मिसाल के तौर पर पेश किया गया। लेकिन 100 दिन के बाद ही वो होना शुरू हो गया जिसकी ना तो किसी को उम्मीद थी और ना ही किसी को इसके आसार थे। त्यागी प्रकरण, अयोध्या में जमीन खरीद, राकेश सचान जैसे मुद्दों ने सरकार की साफ छवि को नुकसान पहुंचाया, तो मंत्रालयों और ब्यूरोक्रेसी में बिगड़े सामंजस्य ने प्रशासनिक कुशलता को घेरे में खड़ा कर दिया। ये वो घटनाएं हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कैसे दिन ब दिन योगी सरकार 2.0 घिरती जा रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू से ही विवादों के घेरे में आ चुका है। कभी मंत्रियों और ब्यूरोक्रेसी के बीच चल रहा विवाद है, तो कभी पार्टी पदाधिकारियों की खराब होती छवि को लेकर के लगातार उठते विवाद सामने नजर आ रहे हैं। योगी सरकार ने अगर इन तमाम विवादों को लेकर के जल्द ही लगाम ना लगाई तो योगी सरकार की जो ईमानदार छवि और साफ छवि है उस पर सवाल खड़े होना लाजमी है। सूबे की भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों वाले चांद को पूर्णमासी से पहले ही ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के बीच तालमेल टूटने से शुरू हुआ सिलसिला भाजपा नेताओं की भ्रष्टता और दबंगई के मुद्दों तक आ पहुंचा है। विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। नोएडा की ओमेक सोसाइटी में कथित भाजपा नेता की महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा सवालों के घेरे में आ गई है। श्रीकांत त्यागी पर मुकदमा दर्ज हो गया है, कार्रवाई भी हो रही है। नोएडा विकास प्राधिकरण फरार त्यागी के फ्लैट पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला रहा है, लेकिन त्यागी के कथित तौर पर भाजपा से जुड़े होने के चलते सरकार और पार्टी लगातार विपक्ष के निशाने पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीकांत त्यागी जी, जिनके भाजपा के नेताओं के साथ संबंध है, जो जग जाहिर है, मीडिया चैनलों में भी दिख रहा है, आप देखते हैं श्रीकांत त्यागी जो है ना, वो एक महिला को बुरी तरीके से गाली दे रहे हैं ओमेक सिटी के भीतर। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी व्यक्ति जुड़ा है उसके भीतर सत्ता का नशा इस कदर हावी है कि उसको न महिला, न पुरुष, न गरीब, न अमीर, किसी भी चीजों का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ सत्ता का नशा है। त्यागी का जो प्रकरण सामने आया है, यह भाजपा के चरित्र को उजागर कर दिया है, क्योंकि त्यागी ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था जो इस बिल्डिंग में रह करके मकान बनाता जा रहा है और उसका विरोध नहीं हो रहा था। और जब उसका विरोध हुआ तो उसका चरित्र, जो आज त्यागी ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है, सेम वही व्यवहार भारतीय जनता पार्टी सदैव करती आई है। जिस प्रकार से आप राम जन्मभूमि के मामला को देख लीजिए, या किसी भी जगह पे जहां देखेंगे भूमि अधिग्रहण होगा, वहां पे भाजपा कहीं ना कहीं से आपको दिखेगी जरूर। तो इसलिए यह त्यागी ने फिर से भाजपा के चरित्र को उजागर किया है। देशभक्ति का ढोंग करना भाजपा वालों को छोड़ देना चाहिए। अयोध्या में एक बार फिर जमीन खरीद फरोख्त का जिन जमीन पर आ गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा जारी सूची से एक बार फिर जमीन खरीद फरोख्त का मामला गूंजने लगा है। अवैध प्लांटिंग और अवैध कॉलोनाइजर की वायरल सूची में बीजेपी के नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय सहित 40 लोगों के नाम है जिन्होंने अवैध प्लांटिंग की है। कुछ दिन पहले अयोध्या सांसद लल्लू सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर अयोध्या में जमीन की अवैध तरीके से खरीद फरोख्त होने की बात कहते हुए एसआईटी से जांच कराए जाने की मांग की थी, जिसके बाद अधिकारी हरकत में आए और ये खेल सामने आ गया। मामले को लेकर सपा समेत तमाम विरोधी दल सरकार पर हमलावर हैं। अयोध्या में जो मामला विपक्ष उठा रहा है भूमाफियाओं का, वो माननीय सांसद जी के पत्र के द्वारा मुख्यमंत्री जी को जो अवगत कराया गया है उसमें वो उजागर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी की तरह मामला नहीं है जो अपने लोगों को बचाते हैं। हमारे यहाँ चीज़ों को हमारे पार्टी के अंदर ही लोग उठा देते हैं और उस पर वही कार्यवाही होती है जो आम लोगों के साथ होनी है। अगर कहीं उस पत्र में जो लोग भी भूमाफिया पाए जाएंगे या गलत काम करते हुए पाए जाएंगे, उनके साथ भी वही कार्यवाही होगी, चाहे जो भी हो।
ये विपक्ष का काम है, बिना मतलब में कोई तथ्य तो नहीं रह गया है अब उनके पास, लेकिन बिना मतलब की बातों को हवा देना, क्योंकि उनको भी राजनीति में बने रहना है। एक और मुद्दा जिस पर सरकार लगातार घिर रही है वो है योगी कैबिनेट में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान का। बीते शनिवार सचान को 1991 के आर्म्स एक्ट के मामले में कानपुर की TMM 3 कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। आरोप है कि मामले में दोषी सिद्ध होने के बाद सचान कोर्ट से आदेश की मूल प्रति लेकर फरार हो गए थे। आज उन्होंने कानपुर की अदालत में सरेंडर कर दिया, जहां उन्हें 1 साल की सजा और 1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। हालांकि सजा के साथ ही उन्हें जमानत भी मिल गई है। उधर दूसरी तरफ संजय निषाद के खिलाफ 2015 आंदोलन के मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। इन दोनों मामलों को लेकर भी अपोजिशन सरकार को घेरती नजर आ रही है। जिक्र मंत्रियों की निगरानी का, उत्तर प्रदेश में तबादला नीति लागू होने के बाद सबसे बड़े विभाग लोक निर्माण विभाग यानी PWD में तबादलों में गड़बड़ी का मामला सामने आया। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए थे। 2 दिन की जांच रिपोर्ट आने के बाद 4 अधिकारियों को उनके पद से हटाया गया है। जिन लोगों को पद से हटाया गया है उनमें लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद के विशेष कार्याधिकारी यानी OST अनिल कुमार पांडे और लोक निर्माण विभाग के HOD मनोज गुप्ता भी शामिल है। OSD पर कार्यवाही होने के बाद से जितिन प्रसाद नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि OSD मंत्री के बिहाफ पर फैसले लेता है और इसीलिए इस कार्यवाही से जितिन प्रसाद की छवि भी धूमिल हुई है। इससे पहले डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने भी स्वास्थ्य महकमे में हुए तबादलों को लेकर नाराजगी जताई थी और अपर मुख्य सचिव के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। मुख्यमंत्री ने एक कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए। जांच के बाद 48 डॉक्टरों के ट्रांसफर रोके गए और गड़बड़ियों का ठिकरा बाबुओं के सर पर फोड़ दिया गया। क्लर्कों का निलंबन हुआ, उन्होंने धरना किया और जांच नए सिरे से शुरू हो गई। तीसरी नाराजगी सामने आई थी। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक सिंचाई विभाग में कार्य आवंटन तबादलों में मनमानी को लेकर नाराज हुए थे। खट्टिक का कहना था कि उनके विभाग में ही कोई उनकी नहीं सुनता। इस दौरान अमित शाह को संबोधित इस्तीफा भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले को विपक्ष ने अपना हथियार बनाया और योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी के जल शक्ति के मंत्री हैं राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक जी। आप समझ रहे हो, एक दलित, उनका एक पत्र जारी हुआ था जिसमें वो बता रहे थे कि वो नाराज होकर के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं। उनकी कोई सुनता नहीं है, अधिकारी नहीं सुनते हैं। और जल शक्ति मंत्री के मेन मंत्री जो हैं, कैबिनेट मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो पिछड़े हैं। अब बताइए, पिछड़ों और दलितों की क्या औकात है भारतीय जनता पार्टी में? गुलामी करने के अलावा कोई काम नहीं है उनके पास। भारतीय जनता पार्टी ना ऐसी पार्टी है कि वहां दलितों पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं है। वो मनु की विचारधारा को मानने वाले लोग, सबसे बड़ी बात। जितिन प्रसाद जी मंत्री लोक निर्माण विभाग, उनके OSD साहब अनिल कुमार पांडेय जी, उनके ऊपर कार्यवाही हो गई, उन मंत्री जी नाराज हैं। तबादलों में, ट्रांसफर में इतनी ज्यादा अनियमितताएं बढ़ती जा रही है ना, सारे लोग मिलकर के, पांडेय जी भी पैसा खा रहे हैं, मंत्री जी भी पैसा खा रहे हैं। ट्रांसफर के नाम पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घोटाला किया गया है। इसका एक केंद्र बिंदु था जहां से अच्छे खासे धन की उगाही की गई है, तो अब तो सामने आ रहा है। ये 100 दिन के मंथन में ट्रांसफर घोटाले का विष निकला था। अब तो ये भी स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों पर अत्याचार करती है, दलित विरोधी है, दलितों की प्रताड़ना करती है। और ये बात पहले कांग्रेस पार्टी कहती थी, अब तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लिखित रूप से इस बात को कह रहे हैं। तो बेहतर हो कि भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात करना बंद करे, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर आरोप लगाए थे, बाकायदा अपने आप को दलित विरोधी स्वीकार करते हुए जो भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरी जांच कराकर श्वेत पत्र जारी करें और जनता को बताए कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो भ्रष्टाचार है ट्रांसफर घोटाले का। ये सारे वो मामले हैं जिनकी वजह से लगातार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की फजीहत हो रही है। बता दें, प्रदेश की सत्ता दोबारा संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने तमाम प्रयास किए, तमाम रणनीतियां बनाई, लेकिन ये सभी विषय हैं जिनकी वजह से योगी सरकार की जमकर फजीहत हुई है और योगी सरकार दोबारा अपने कार्यकाल में उतनी प्रभावी नजर नहीं आ रही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, मजहब, किसी भी पार्टी से उसका जुड़ा हो, वो सपा, बसपा, कांग्रेस या भाजपा का ही क्यों ना हो, अगर कानून हाथ में लेने की जरूरत करेगा तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून कठोरता के साथ कार्रवाई करेगा।
श्रीकांत त्यागी जिसको लोग भाजपा का नेता कह रहे हैं, पहली बात तो वो नेता ही कहलाने लायक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में किसी भी पोस्ट पर अधिकृत तौर पर नहीं है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर फोटो खिंचवा करके ये मुगालता पाल लेता है कि वो रसूख के आधार पर कुछ भी कर सकता है, तो आज की ये कार्रवाई जो योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर चलवा के करवाई है, ये स्पष्ट कर देती है कि किसी के साथ भी फोटो खिंचवा करके संरक्षण नहीं पा सकते हो। ये सपा बसपा की सरकारी नहीं है जहां नेताओं के साथ फोटो आपको बचा सकती है। तो कुल मिलाकर विपक्ष के सामने भी मुद्दे कई हैं, लेकिन फिलहाल विपक्ष सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि भाजपा डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है और अब देखना ये लाजमी होगा कि आने वाले समय में विपक्ष की रणनीति कामयाब होती है या फिर भाजपा डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब साबित होती है। विजन अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।